हे गाइस, स्वागत है आप सभी का व्याख्यात कॉम्पिटिशंस में। और मैं हूं मनीष पवार। आप मेरे साथ पढ़ रहे थे बायोलॉजी, जिसके हमने दो वीडियो बना ली है, जिसमें हमने जाना था बायोलॉजी का हिस्टोरिकल इवेंट और बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई थी, और उसके बाद जाना था कि बायोलॉजी में जो विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान है बायोलॉजी के क्षेत्र में, उसके बारे में जाना था। जैसे हिप्पोक्रेटस, जिसे मेडिसिन के जनक माना जाता है, अरस्तु, जिसे जंतु विज्ञान के जनक माना जाता है, थियोफ्रेस्टस, जिन्होंने 500 प्रजातियों का अध्ययन किया था पौधों की और उनकी किताब के बारे में, और उन्हें फादर ऑफ या फिर कहा जाए तो पादपों के अध्ययन का जनक माना जाता था। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हमें बायोलॉजी का अगर एक सिक्वेंस के साथ अगर अध्ययन करना है तो हमें बायोलॉजी के एक ब्रांचेस के बारे में जानना होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं ब्रांचेस का इम्पोर्टेंट क्या होता है। अगर आप एक हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर बीमारी या स्पेसिफिक बीमारी के इलाज के लिए जाना होता है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि पूरे हॉस्पिटल में घूमकर देखते हो कि मुझे तो स्किन का इलाज कराना है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि दांत वाले डॉक्टर के पास चले जाते हो या फिर कान के डॉक्टर के पास चले जाते हो। आपको पता है कि इसके लिए एक स्पेसिफिक ब्रांच है। तो जैसे स्किन के लिए डर्मेटोलॉजी होती है, वैसे ही हड्डी के लिए एक ऑस्टियोलॉजी उनके अध्ययन को बोलते हैं। ऐसे ही विभिन्न ब्रांचेस होती है। तो अगर हमें बायोलॉजी की स्टडी करना है तो उसकी भी पहले हमें ब्रांचेस को जानना होगा कि बायोलॉजी की किस प्रकार की ब्रांचेस है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के लिए किस प्रकार की लॉजी है और उनके लिए कौन सी टेक्सोनॉमी और वर्ड का यूज़ किया गया है। तो वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर प्रीवियस वीडियो का आपने ढंग से अगर नहीं जाना होगा तो आपको शायद कुछ नया सा लगेगा, और अगर आप शुरू से सीक्वेंस के साथ मेरे माहौल में बने रहोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बोरिंग सा फील नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायोलॉजी के कुल 22 चैप्टर्स है और अलग से साइंटिस्टों ने अलग अलग ब्रांचेस की हम बात करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसमें एक ये भी चैप्टर है, क्योंकि इसमें एक वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और या फिर इससे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जो एग्रीकल्चर है उसमें हम किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, या फिर ये सेक्टर किसके लिए बनाया गया, या फिर ये यूजेनिक है जो अपने मानवों के जो विकास का अध्ययन कराता है, आखिर ये टर्म का यूज़ क्यों किया गया है। तो आज इस वीडियो के जरिए जानेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा प्रीवियस जो अपना सिलेबस है उसके बारे में आपको और स्पष्ट कर देना चाहूँगा। तो पहले देख लेते हैं कि जो हमारा बायोलॉजी का हम सिलेबस पढ़ेंगे उसकी जो दो ब्रांचेस होगी, प्लांट और एनिमल तो है ही, लेकिन उनके अध्ययन के लिए एक मॉर्फोलॉजी और एक फिजियोलॉजी। इसमें क्या है, हम उनका क्लासिफिकेशन, जैसे अभी ये ब्रांचेस पढ़ रहे हैं वैसे ही इसका क्लासिफिकेशन होगा कि इस किसके यानी कौन से किंगडम में कौन सा जीव जाएगा ये जानेंगे, और सेल क्या होती है, टिश्यू क्या होते हैं, यानी एक इकाई के रूप में मॉर्फोलॉजी में जानेंगे। लेकिन फिजियोलॉजी में हम एकदम डीपली घुसेंगे कोई भी टॉपिक में, जैसे प्लांट है तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, उसका न्यूट्रिशन कैसे होता है, एकदम स्ट्रक्चर वाइज जानेंगे। और ये तो प्लांट की बात हो गई, और अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में श्वसन तंत्र किस प्रकार का है, पाचन तंत्र किस प्रकार का है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम किस प्रकार स्त्रावित होते हैं, और किस प्रकार की बीमारियां है, शरीर के कैसे पार्ट है, पूरी आंतरिक संरचना का अध्ययन इस फिजियोलॉजी में करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सिलेबस डिवाइड रहेगा। तो हम पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, जो ये आगे का टॉपिक है, और आज के टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। तो आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें पहला एग्रीकल्चर, जिसमें कि आप सभी तो जानते ही हमारा देश है कृषि प्रधान, तो आपने एग्रीकल्चर टर्म आपके लिए कोई नई नहीं है। तो एग्रीकल्चर में आप सभी जानते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ यूजफुल प्लांट जो है उसे एग्रीकल्चर बोला जाएगा। ये तो एक सिंपल सा टर्मिनोलॉजी हो गई आप सभी के लिए कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, यानी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी जिसका कल्टीवेशन करके हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है या फिर जिसको बेच के हमें आय प्राप्त होती है, वो सब एग्रीकल्चर में आएगा। अब आता है एग्रोनॉमी, एक पर्टिकुलर कोई फसल का अध्ययन करना,
इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा, द स्टडी ऑफ क्रॉप्स। अगर आप सभी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप भी लाइव बता सकते हैं कि हाँ इकोनॉमी का मतलब स्टडी ऑफ क्रॉप्स होता है, और वीडियो को लाइक करते चले ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, और शेयर भी मार दे तो आपके दोस्त मेरे साथ और जुड़ सकेंगे और मज़े का आनंद लेंगे, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा फन। अब ये है फाइकोलॉजी। अब आप गेस कर सकते हैं कि फाइकोलॉजी क्या होगा। वैसे बायोलॉजी लगभग सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन और आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा कि फाइकोलॉजी क्या होता है। तो अगर आपने गेस कर लिया हो तो अब मैं बताता हूँ कि फाइकोलॉजी को क्या बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों का अध्ययन, क्या आएगा फाइकोलॉजी। अगर आप मेरे साथ रिकॉल करते चले गए कोई भी टर्मोलॉजी को तो आपका रिवीजन भी होगा, और जो आपको नहीं पता आप वो जान भी लोगे, और कुछ नई टर्मिनोलॉजी है वो भी आप मेरे साथ जान लूँगे। अब नेक्स्ट है एंथोलॉजी। अब इसे भी आप पहले गेस कर, एक दो सेकंड नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी तो आप मेरे साथ पढ़ ही रहे हैं। तो ये होगा स्टडी ऑफ फ्लावर। थोड़ी मेरी राइटिंग अभी उतनी खास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये भी बेहतर हो जाएगी, जैसे हम धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो नॉलेज गेन होता है, वैसे ही मेरी राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी। अब इसके बाद है ये फिडियोलॉजी। ये आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है कि ये फिडियोलॉजी क्या है, तो ये मैं आपको सभी को होमवर्क देना चाहूँगा कि आप ये सभी जो है, ये जो मैंने जो टर्म दी है फिडियोलॉजी, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये फिडियोलॉजी क्या है। अगर आप अपने होमवर्क के प्रति सतर्क है तो बिल्कुल आप इसे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब मुझे लगता है अगर नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी अगली जो वीडियो आएगी उसमें आप जानेंगे कि ये फिडियोलॉजी क्या है, जो एक नया टर्म है, इसके पूछने के चांसेस रहते हैं। तो अब ये है कार्सिनोलॉजी। अब ये भी आपके लिए एक नई ब्रांच है, एक टर्म है, जो वन लाइनर में आ जाए तो आपका एक नंबर का सीधे से सीधे क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप इसे ध्यान से याद ना करें तो। तो जानते हैं ये क्या है कार्सिनोलॉजी। तो ये है क्रस्टेशियस, एक जीव का नाम है, उसके अध्ययन को कार्सिनोलॉजी कहा जाता है। उसके अध्ययन को लॉजी लग गया, मतलब जो सामने का वर्ड है उसका अध्ययन हो रहा है, कुल मिलाकर एक सिंपल है। बस कई बार कुछ ऐसे वर्ड आ जाते जैसे इस बार कार्सिनो आ गया, जो एक प्रकार से नए लोगों के लिए अपरिचित सा वर्ड है कि कार्सिनो क्या होता होगा, लेकिन इसे आपको याद रखना होगा कि ये क्रस्टेशियस होता है, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा आगे की वीडियो में कि ये क्या है, ये टर्म का मीन क्या होता है, तो आपको उसके लिए बने रहना होगा। अगला है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी से आप समझ सकते हैं, देखो लॉजी मतलब तो स्टडी, अब स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, बहुत ही सिंपल सा कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को ब्रायोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ ब्रायो। अब अगला है बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी। ये एक सिंपल सा लग रहा होगा आपको कि बायो लिखा है जीव, केमिकल मतलब रसायन से संबंधित होगा, टेक्सोनॉमी मतलब तो आप जानते ही है एक शब्द, तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ रिलेटेड प्लांट्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार पर या फिर उस पर संबंधित पौधे का वर्गीकरण का अध्ययन, एक केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर किसी पौधे का संबंध या उसका अध्ययन करना बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी कहलाता है। तो यहाँ तक अभी तक आपको क्लियर है, एग्रीकल्चर मतलब कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, एग्रोनॉमी मतलब स्टडी ऑफ क्रॉप्स, फाइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एल्गी, एंथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर। दोस्तों आप मेरे आपको लग रहा होंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल सा है या फिर बहुत धीरे है, लेकिन दोस्तों बायोलॉजी है ये, और इसकी जो टर्म्स है उसे याद करने के लिए थोड़ा ढेर ही अच्छा होता है, नहीं तो अगर आप इस टर्म को इस टर्म में यूज़ कर देंगे तो फ़ायदा क्या आपका मेरी वीडियो देखने के लिए, आराम से देखते रहिए। अब अगला है नीडोलॉजी। तो नीडोलॉजी से भी स्पष्ट है, लॉजी मतलब स्टडी, अब स्टडी लगा दिया तो ऑफ भी लगा दिया, स्टडी ऑफ निडेरिया। निडेरिया भी एक अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम पढ़ेंगे उसमें आएगा कि निडेरिया क्या होते हैं। निडेरिया भी एक
छोटे माइक्रो जीव होते हैं। तो पहले आप जान लीजिए नीडोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नीडेरिया, जिसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी बनाकर बताऊंगा किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा में। अब अगला है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। दोस्तों इसे पढ़कर दोहराने की कोशिश करें, क्या होता है मुझसे खुद से गलती होती है, मैं जबकि बहुत बार पढ़ चुका हूँ डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो आप इसको गेस कीजिए कि ये क्या होगा, इसमें डेंड्रो भी है क्रोनोलॉजी भी है। तो ये एक आप कुछ और इमेजिन कर रहे होंगे, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी टर्म है। अगर आप इसे जानोगे तो आप सोचोगे अच्छा ऐसी भी टर्म्स होती है। मतलब ऐसा है कि जब हम पेड़ पौधे की आयु का पता लगाते हैं उसके लिए जो टर्म है इसका उपयोग किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा आप जब पेड़ काटते हो तो ऐसा दिखता है नीचे से, और उसमें ये ऐसे ऐसे आकृतियाँ बनी रहती है, ऐसे गैप गैप में एक तरफ, यानी पहले थोड़ा वाइट सा फिर एकदम डार्क डार्क सा फिर ऐसा। तो ये है कैम्बियम। होता क्या है कि जाइलम फ्लोएम होते हैं, इनकी ये सब कोशिकाएं होती है। तो ये पेड़ पौधों की जो उम्र के साथ इनमें वलयम वृद्धि होती जाती, जाने जितना बड़ा पेड़ है उसमें उतनी ज़्यादा वलय बनती है। अगर हम काट के देखें उसकी वलयों की गणना कर लेते हैं और जानते हैं, यानी वैज्ञानिक उनने एक मापदंड बना के रखा है कि एक वलय इतने वर्षों में बनता है, तो उस आधार पर अगर पेड़ के इन वलियों के अध्ययन कर लिया जाए तो उनकी आयु का पता लगाया जाता है। और उसके लिए उन्होंने एक टर्म का यूज़ किया कि भाई इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो उन्होंने डेंड्रोक्रोनोलॉजी टर्म को दिया। अब अगला है एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी में भी शायद आप गेस नहीं कर पा रहे होंगे कि एंटोमोलॉजी क्या है, इवन मैं खुद गेस नहीं कर पाता था कि एंटोमोलॉजी क्या है। लेकिन ट्रिक बनाना तो अपने मनुष्य का काम ही है कि अब जो याद नहीं हो रहा उसके लिए ट्रिक बना ले। तो लॉजी तो सिंपली स्टडी है, तो आप पढ़े ना तो भी, पर एंटोमो, ये एंटोमो मतलब कीटों से कहीं ऐसा कनेक्ट कीजिए, तो इसका मतलब होता है कीट पतंगों का अध्ययन करना। जैसे जो कीट रहते हैं ये टा और ये टा, एंटोमोलॉजी कीटों पर कीट पतंगों का अध्ययन। दोस्तों अगर आप साथ देंगे तो मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बनाऊंगा और बहुत फनी तरीके से बनाएंगे, जो किसी के साथ बात भी करें तो आपको बहुत मजा आएगा। और दोस्तों लाइक करते चले वीडियो को, उससे और मज़ा आएगा कि मेरे साथ जो साथी बने उन्हें समझ में आ रहा है। आप अनलाइक भी कर सकते, लेकिन जो करना है आप वो करिए, लेकिन करिए। ऐसा नहीं कि आए वीडियो देखे चले गए, उससे हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे साथ कितने दोस्त भाई लोग जुड़े थे। अब ये है अगला इथोलॉजी। इथोलॉजी दोस्तों क्या होगा, जैसे मैं अभी आपके सामने किस प्रकार का बिहेव कर रहा हूँ, आप आपके घर में किस प्रकार का बिहेव करते हो, या फिर कहीं अचानक धूप हो जाती है तो आप कैसा बिहेव करते हो, छाव में जाते हो, मतलब कुल मिला के जो ह्यूमन या प्लांट, हाँ ह्यूमन के बिहेवियर की बात, प्लांट तो एक जगह स्थिर बना रहता है, तो ह्यूमन का जो बिहेव यानी स्वभाव और उसके जो व्यवहार का अध्ययन है उसके लिए ये टर्म बनाई गई है। क्या? एथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। दोस्तों देखिए इस प्रकार कितनी सारी टर्म्स बनाई गई, हमारे बिहेवियर पे भी ये टर्म बनाई गई है। अक्सर कुछ नए फन फैक्ट के साथ भी एग्जाम्स में ऐसी टर्म्स पूछ ली जाती है। अगला है यूजेनिक। जैसे जैसे मानव विकास कर रहा है, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी बना ली, इससे पहले तो आप सभी जानते हैं हम पहले जंगल में रहते थे, आदि मानव थे, उससे किस प्रकार से इस लेवल तक आए हैं, यानी मानव निरंतर विकास कर रहा है। तो मानव ने जितने भी इम्प्रूवमेंट किए हैं उसके अध्ययन को, और अभी जितने भी इम्प्रूवमेंट होंगे उसके लिए ये टर्म का यूज़ किया गया है, इसे कहा गया है यूजेनिक। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ यानी स्टडी, काय की स्टडी, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन, ऑफ ह्यूमन यानी मानव ने जो भी वृद्धि विकास करेगा अभी तक किया है उसके अध्ययन को यूजेनिक कहा जाता है। अब आपने पेडोलॉजी तो सुना होगा, लेकिन उसी के जैसी पेडोलॉजी तो एक कॉमन हो गया है।
अगर एग्जाम में कुछ नए टर्म्स के साथ वही वर्ड को यूज करेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पेडोलॉजी के अध्ययन, जैसे आपको मालूम है मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं, तो ये उसी के लिए टर्म है एडेपियोलॉजी, ये भी वही टर्म है, लेकिन ये नहीं है, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए। एक पेडोलॉजी पता होनी चाहिए कि मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अगर ये नई टर्म का यूज कर लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन को कहीं और मार्क करके आएंगे। अब अगला है इकोनॉमिक जूलॉजी। इससे तो आप समझ ही गए होंगे, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, मतलब पैसे की बात हो रही है, और जूलॉजी मतलब जंतु, तो जिससे जो जीव है जिससे हमें आर्थिक प्राप्ति होगी हम उसी को पाल लेंगे, तो उसके अंतर्गत जो भी है जीव उनके लिए एक टर्म का यूज़ किया गया इकोनॉमिक जूलॉजी। और बस आप जान गए इतने जल्दी मेरे साथ, बस बातों ही बातों में आपने जान लिया एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, फ्यूडोलॉजी, एंटोमोलॉजी और नीडोलॉजी, ये सब कुछ नई टर्म से जानी आपने। एंटोमोलॉजी जाना, पेडोलॉजी का एक अलग है वो जाना, यूजेनिक जाना। और दोस्तों अब आगे की जो नई टर्म्स है उसे हम अगले पार्ट में या फिर अगले दिन पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए आप इन्हीं का इसी वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि मैं अगली बार आऊँ तो आपको पता लग जाए, नहीं तो आप मुझे ढूंढते रहेंगे। तो दोस्तों लाइक करो, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।